वालेकुम, मैं हूँ फैसल अख्तर। मेरा ताल्लुक़ मीडिया के फील्ड से है काफ़ी अरसे से, और इससे पहले मैं प्रोडक्शन हाउस के अंदर था जो कि टीवी कमर्शियल डायरेक्टर की थी। उसके बाद मैं एक मॉडलिंग एजेंसी के टैलेंट हंट के अंदर मैंने वहाँ पे काम किया। मीडिया से तकरीबन कोई 13 साल से, मेरे तकरीबन 13 साल से कोई वाबस्तगी है। ओ हो, तावीज़ात। ओ, कुछ लिख के लगाया हुआ उसके ऊपर। जवाब नोट करो, इसके ऊपर कुछ तावीज़ टाइप की चीज़ लोगों ने लिख के लगाई हुई है। मेल की थी ना पीडीएफ फाइल के अंदर उसे सारे। अच्छा, कि जब मैं मूवी करके आया, ऑब्वियसली मेरी नई नई मूवी थी, फर्स्ट मैंने मूवी की थी, मैंने बहुत सारे लोगों को बताया जो मेरे दोस्त अहबाब थे, घर रिश्तेदार थे, घर वाले, तो वो बहुत ज़्यादा उन्होंने इंटरेस्ट लिया मेरे इसके अंदर कि यार लड़के ने मूवी कर ली है, शौक तो था इसको, तो अगर इसको चांस मिल गया तो बहुत ज़बरदस्त काम है। अच्छा, आगे आगे क्या हुआ कि ड्यू टू सम रीजंस प्रोडक्शन डिले हो रही थी, पोस्ट प्रोडक्शन, और इसके अंदर मूवी तो बिल्कुल आनी थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकल रहा था तो लोग मुझे ना तंग करना शुरू हो गए कि यार मैं मजाक कर रहा था, मतलब मूवी करके आया। ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई जोड़ी है, कोई जनों की, और मेल फीमेल आया बैठ के कुछ ऐसा भी था। देख रहे हैं कि पूरे यार जवाब मजाक तो नहीं कर यार इतने सीरियस सिनेरियो में। सीरियसली, आई मीन ये दो कुर्सियों का क्या काम? एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, अब थोड़ा सा मैं घबराया हुआ तो नहीं था, मगर थोड़ा सा शायद जरूर था, लेकिन उसके बाद जब मैं देखा कि इतना फ्रेंडली माहौल है, जो एक्टर्स थे मेरे को एक्टर्स बहुत अच्छे थे, बहुत कोऑपरेटिव थे, बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा और बहुत मज़ा भी आया, डर भी लगा क्योंकि लोकेशन वाकई हॉन्टेड थी। देखिए, जहाँ तक करेक्टर की बात करते हैं रिगार्डिंग रिकॉर्ड मूवी, तो मेरा एक करेक्टर था कैमरा मैन का, जिसके अंदर मैं होस्ट जो होता है शो का उसके साथ मैं कैमरा मैन हूँ, और सेकंड लीड पे था मैं मूवी के अंदर, तो उसके अंदर मेरे जो रोल था वो हार्श था और बहुत ज़्यादा, और मुझे डर भी लगा, हकीकतन डर लगा उस मूवी के करते हुए, क्योंकि वो हॉन्टेड लोकेशन थी, तो वो जो रियल जज्बात थे मेरे, असली जज्बात थे, मैंने वहाँ पे 100% डूब के अपने करेक्टर के अंदर 100% डूब के उसको डिलीवर करने की कोशिश की, और आई थिंक कि मुझे कोई ऐसा नेगेटिव रिस्पांस नहीं आया। यार चुप क्यों नहीं कर रहे हैं? चुप क्यों नहीं कर रहे हैं? रिलैक्स हो जा, इजी हो जा। तू अरे क्या कर रहा है? पता नहीं चुप नहीं कर रहे हैं। सोच रहा हूँ ना, सोच रहे थे। दो घंटे से सोच रहा हूँ। ये चैट को आई थी तुम्हें सोच रहा हूँ।